हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइटर विजय पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 यहाँ पे खड़ी हुई है मेट्रो और यहाँ पे रेट्रो, मतलब ये मॉडल का फर्क है वर्जन। ये रेट्रो वर्जन है और ये मेट्रो वर्जन है, टॉप वेरियंट है, लो वेरियंट है। इन दोनों बाइकों का डिफरेंस यहाँ पे बताने वाला हूँ, दोनों बाइकों में कितना फर्क आ जाता है, कौन सी बाइक क्या प्राइस है, स्पेक्स क्या है, फीचर्स क्या है। यकीन करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बाइकों के अंदर, रेट्रो और मेट्रो के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ चीज़ें इसमें बेटर मिल जाती है, कुछ चीज़ें इसमें बेटर मिल जाती है, सब कुछ बताता हूँ आपको वीडियो में। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हंटर 350 इसका लोअर वेरिएंट और टॉप वेरिएंट, ये है रेट्रो और वो है मेट्रो। इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले, किस बाइक में आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाती है, कितना डिफरेंस है, सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइकों की फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में यहाँ पे एक ब्लैक कलर की टिंटेड आपको वाइजर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इस तरह का कोई वाइजर नहीं दिया गया। दूसरा फर्क आ जाता है यहाँ पे इंडिकेटर में, यहाँ पे आपको ओवल शेप की हैलोजन इंडिकेटर दिए गए, यहाँ पे राउंड शेप में हैलोजन इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो सस्पेंशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों बाइकों के, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। मडगार्ड भी सेम है, डिस्क ब्रेक भी दोनों बाइकों में सेम है। यहाँ पे दूसरा फर्क आ जाता है अलॉय व्हील के अंदर, मेट्रो के अंदर आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज में भी यहाँ पे फर्क आ जाता है, यहाँ पे आपको 180-17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है और वहाँ पर आपको 110-70-17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। और वहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। तो ये फर्क है, ये वेरिएंट थोड़ा सस्ता रहने वाला है, उससे काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा रॉयल एनफील्ड की, तो जितनी बाइकें सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रॉयल एनफील्ड ये होने वाली है। इसके अलावा अगले फर्क की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको बायब्री के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे थोड़े सिंपल ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी इन पे कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये लेग गार्ड्स वगैरह में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। वहाँ पे एसेसरी के ऊपर आप यहाँ पे भी लेग गार्ड लगवा सकते हो, वो एसेसरी के ऊपर आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चेंज की बात करी जाए तो वो है दोनों बाइकों के मीटर के अंदर, यहाँ पे मीटर में बहुत बड़ा फर्क है। इसके अंदर आपको थोड़ा सिंपल मीटर देखने को मिलेगा, ये देख रहे हो, तो इसके मीटर में थोड़े कम फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके मीटर में आपको ट्रिप ए देखने को मिल जाती है, ट्रिप बी देखने को मिल जाती है, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, उसके अलावा फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है और बाकी सब इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए, ABS के लिए, लो बैटरी के लिए, न्यूट्रल के लिए, मालवे डिटेक्ट लाइट है, लो फ्यूल के लिए, और ये स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर आपको इस मेट्रो वाले मॉडल की बात करी जाए, हंटर 350 मेट्रो मॉडल, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सेम मीटर है जो कि आपको मेट्रो में देखने को मिलता है ना, मेट्रो 350 में जो मीटर आता है वही सेम मीटर है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, यहाँ पे आपको ट्रिप ए देखने को मिल जाती है, ट्रिप बी देखने को मिल जाती है, उसके अलावा ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। और अगले फीचर की बात करें जाए, ट्रिप एफ भी आपको देखने को मिल जाती है, गियर इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है, टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और फ्यूल गेज भी यहाँ पे दिया गया है, स्पीडोमीटर है यहाँ पे, और ये न्यूट्रल का इंडिकेटर है, लो बैटरी के लिए, लो फ्यूल के लिए, ABS के लिए, और मालवे डिटेक्ट लाइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको USB चार्जर भी देखने को मिल जाता है, इस साइड है थोड़ा, देख रहे हो, ये मैं थोड़ा सा आपको इस साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको USB चार्जर भी दिया गया है मेट्रो के अंदर, यहाँ पर USB चार्जर आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, रेट्रो में भी और मेट्रो में भी, दोनों ही बाइकों में आपको USB चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे आपको दोनों बाइकों में फीचर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगले फर्क की बात करी जाए तो यहाँ पे जो स्विचेस वगैरह हैंडल बार पे, वो आपको मेट्रो वाले देखने को मिल जाते हैं, जो मेट्रो में आपको देखने को मिले थे राउंड शेप में, लेकिन यहाँ पे हैंडल बार के जो स्विच है वो आपको सिंपल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल पहले क्लासिक में देखने को मिला करते थे, कुछ इसी तरह से सिंपल स्विच है यहाँ पे, देख रहे हो ना, ये सेल्फ के लिए है, ये क्लिक स्विच है, इसके अलावा ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही स्विच के अंदर सेल्फ और इग्निशन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, एक ही स्विच के अंदर लो बीम, हाई बीम और पास के लिए देखने को स्विच मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा और फर्क यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा अगला जो फर्क है वो है सीट के अंदर, यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम सीट देखने को मिल जाती है, फैब्रिक बहुत ही प्रीमियम लग रहा है सीट का, यहाँ पे ये सीट भी काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है सीट के अंदर लोअर वेरियंट और टॉप वेरियंट के हिसाब से। अगले फर्क की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको वही ओवल शेप के इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, रेट्रो में हैलोजन टेल लाइट यहाँ पे दी गई है, लेकिन मेट्रो के अंदर आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है और राउंड शेप में इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये जो टेल सेक्शन है ये सेम है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह है, और ये मरगार्ड आपको थोड़ा सा पीछे तक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टायर की बात करी जाए तो रियर में आपको मेट्रो के अंदर 140-70-17 का टायर देखने को मिल जाता है,
140/70/17 टॉप वेरिएंट के अंदर, और यहाँ पर आपको 120/80/17 का टायर देखने को मिल जाता है। कहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, 120/80/17 का टायर यहाँ पे दिया गया, स्पोक व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा रेट्रो के अंदर आपको रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है डुअल चैनल एबीएस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। बाकी सस्पेंशन में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, सेम सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं, डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ भी फ्रंट वाले सस्पेंशन भी सेम है, यहाँ पर भी कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे जो आपको लीवर्स देखने को मिल जाते हैं ना, ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स, यहाँ पे भी थोड़ा फर्क है। यहाँ पे आपको जो ब्रेक लीवर देखने को मिल रहा है थोड़ा सिंपल, और यहाँ पे आपको थोड़ा हैवी ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है। दोनों ही लीवर अलग है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये लीवर भी अलग है, वो लीवर भी अलग है, और मतलब लीवर दोनों ही बाइकों के अलग है, ठीक है। इसके बाद एक फ़र्क और आ जाता है, जो हैंडल बार की ग्रिप है ना, वो ग्रिप भी अलग है। यहाँ पे ग्रिप आपको अलग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर ग्रिप आपको अलग देखने को मिलेगी, ये थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा अच्छी पकड़ बनाती है, और थोड़ा शोर शराबा हो रहा है शोरूम के अंदर है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना। और एक फ़र्क यहाँ पे और आ जाता है हेडलाइट के अंदर, हेडलाइट भी दोनों बाइकों की डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, मैं इसको चाबी ऑन करता हूँ ना तो इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, जो नीचे वाला बल्ब है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जब बाइक ऑन ही है, अभी देख लो ये ऑन हमने कर दिया, अभी ऑन नहीं हो रही है। बल्ब भी अलग है दोनों बाइकों का, अभी इनके बारे में मेरे को पूरी डिटेल मतलब डिटेल से मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले के ऊपर कितना फ़र्क है इनकी मैनुअल बुक देखने के बाद। और एक और फ़र्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको मेटल की सीट देखने को मिल जाती है रेट्रो के अंदर, ये रेट्रो मॉडल है, लेकिन यहाँ पे टॉप वेरिएंट में आपको सीट देखने को नहीं मिलेगी, आपको एसेसरी के तौर पर अलग से लगवानी पड़ेगी, ये इंजन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देती है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा एक फ़र्क और है, यहाँ पे आपको 177 केजी का वेट देखने को मिल जाता है रेट्रो के अंदर, यहाँ पे आपको 181 किलो का वेट देखने को मिल जाता है इस बाइक का। फ्यूल टैंक दोनों बाइकों का सेम है, 13 लीटर का इसमें आपको देखने को मिल जाता है, 13 लीटर का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, 150 mm की इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है। एक फ़र्क और है, यहाँ पे आपको मैन स्टैंड देखने को मिल जाता है मेट्रो के अंदर, जो रॉयल एनफील्ड की 100/350 मेट्रो मॉडल्स में मैन स्टैंड आता है, लेकिन रेट्रो में आपको अलग से लगवाना पड़ेगा एसेसरी के तौर पे, तो यहाँ पे ये फ़र्क भी आ जाता है। और यहाँ पर दोनों बाइकों में जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, इनके अलावा बाकी कोई और डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। इंजन स्पेक सेम है, इंजन सब सेम है, उसके अलावा जो भी स्पेक्स है, मैकेनिकल चीज़ें हैं, सब कुछ सेम है। बस यही फ़र्क था जो मैंने आपको वीडियो में बताया, कोई छोटा मोटा फ़र्क और हो सकता है, लेकिन जो मेन जो मेजर फर्क डिफरेंस है ना, वो यही थे। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम में अपने बाइक को फॉलो कर लेना। प्राइस भी आपको बता देता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक बाइक की प्राइस अनाउंस नहीं की गई है, तो जैसे ही अनाउंस हो जाएगी तो वीडियो डालने से पहले हो जाएगी, तो एडिटिंग करते टाइम मैं वीडियो के अंदर दोनों ही बाइकों के प्राइस यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, दोनों बाइकों की जो मॉडल है उनके प्राइस आ रहे होंगे, कौन सी बाइक की क्या प्राइस है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, और आप अपने नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड के शोरूम में फोन करके भी पूछ सकते हो। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में ये तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो और खुश रहो यार।